फ्रेंड्स हम लोग ना घूम करके थक चुके थे, तो हम इनको क्या सोचे कि हम इनको 10 रुपये में ना खाना खिलाते हैं यहाँ पे, और जो कि यहाँ पे मशहूर है। और ये ना हनुमान सेतु मंदिर जो है ना इसके जस्ट सामने है, और वो क्या चीज़ है ना वो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं। सो फ्रेंड्स ये है हनुमान कृपा भोजन सेवा, आप देख सकते हो ना यहाँ पे मात्र 10 रुपये में कढ़ी चावल, छोला चावल और दाल चावल मिलता है। तो यहीं से हम लोग हैं खाने वाले छोला, हम तो फिलहाल छोला चावल खाएंगे और बाकी इन लोगों को जो पसंद होगा वो खाएंगे। और यहाँ पे पैकिंग भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो ना मात्र 20 रुपये में आप यहाँ से पैक करवा करके ले जा सकते हो। और फ्रेंड्स खाने से पहले ना आपको टोकन लेना बहुत ही ज़रूरी होता है, 3 दे दीजिए, यहाँ से हम 3 टोकन लेते हैं, ये आप देखो। अच्छा भैया ये जानना चाहते हैं हम कि मतलब 10 रुपये में आप कढ़ी चावल या छोला चावल जो भी है प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इतना सस्ता तो कहीं नहीं मिलता है। ये हमारी एक संस्था है। संस्था है, जन कल्याण सेवा संस्था है, 2005 से काम करते हैं। 2005 से, अरे वाह। तो हम लोगों का ये है कि उद्देश्य किसी तरीके से सस्ता खाना सभी व्यक्तियों को देते। हाँ मतलब जो अफोर्डेबल महंगे खाने नहीं कर पाते उनके लिए, ठीक है। और बिना लहसुन प्याज से बनता है अपना खाना, ठीक है, शुद्ध साथ में। पहले जो आता है हनुमान सेतु बाबा का भोग लगता है, हनुमान बाबा का यहाँ पे आकर के भोजन ग्रहण करता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ना बिना लहसुन प्याज वाले, अगर आप ये सोचते हो ना कि इसमें लहसुन प्याज की चीज़ें मिली होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक आप कह सकते हो ना एनजीओ के थ्रू एक यहाँ पे सेवा प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आप ना यहाँ पे हनुमान सेतु में दर्शन करें और यहाँ पे आकर के भोजन ग्रहण करें, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। और ये पूरी वैन ही है जो सेवा के लिए तत्पर है यहाँ पे। अच्छा इसकी टाइमिंग क्या है ओपन होने की? सुबह 11 बजे से तकरीबन शाम को 4 बजे। सुबह 11 से 4 बजे, यही 7ों दिन हफ्ते के, तो हफ्ते के 7ों दिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। भैया 2 छोला चावल कर दीजिए और 1 कढ़ी चावल। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं छोला चावल और कढ़ी चावल, और यहाँ का आप देख सकते हो काफ़ी लोग इंजॉय कर रहे हैं। और ये महोदया जी कढ़ी चावल खाएंगी, तो इनके लिए है कढ़ी चावल, टेस्ट करके बताइए कैसा है, वो भी मात्र 10 रुपये में, बहुत अच्छा है। तो आप इनके एक्सप्रेशन से ही समझ सकते हो ना कि बहुत ही अच्छा है। और ना ये आप देख सकते हो हमारा छोला चावल, तो हम दोनों छोला चावल खा रहे हैं, और इनको देख सकते हो ना ये इनको तो ये सोचे कि चलो टेस्ट करते हैं, कोई बात नहीं, चलिए फिर हम भी करते हैं इंजॉय। बाकी लोग भी यहाँ पे आप देख सकते हो ना खा रहे हैं। भैया कैसा लग रहा है आपको टेस्ट वगैरह? बहुत अच्छा, तो इनको भी बहुत ही पसंद आया, तो चलिए हम भी करते हैं टेस्ट और करते हैं इंजॉय। आप खा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है, मतलब क्वालिटी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं किया गया है। 10 रुपये में काफ़ी अच्छा है, और इसमें मेन बात ना लहसुन प्याज भी नहीं है, तो अगर आप बिना लहसुन प्याज के भी खाते हो ना तो खा सकते हो यहाँ। फ्रेंड्स हम लोगों ने जो टेस्टी छोला चावल खाया ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, और मात्र 10 रुपये हमने पे भी किया है। तो इनकी जो संस्था है ना जन सेवा कल्याण संस्था है, तो हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो ना जन सेवा कल्याण संस्था है, और यहाँ पे आप इनको फॉलो कर सकते हो, और ये अगर आप ना सहयोग करना चाहें और इनके कम्युनिटी का ना इनके संस्था का हिस्सा बनना चाहें, तो यहाँ पर आप स्कैन करके, और यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, तो यहाँ पे आप पे कर सकते हो और इस सेवा का ना पूरा भागीदारी आप भी बन सकते हो। सो फ्रेंड्स अब ना हम इनसे लेते हैं अलविदा, और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया, बहुत ही अच्छा लगा इनसे मिलकर के। और मिला जुला करके एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए ना, ये मेरे गाँव साइड से ही बिलोंग करती है, जहाँ से हम है ना वहीं से ही बिलोंग करती है, तो क्या है जब भी गाँव जाएंगे तो मिलते रहेंगे हम लोग। तो चलिए फिर करते हैं इनसे टाटा बाय बाय, और आई होप आपको ना हम लोगों को मतलब देख करके अच्छा लगा होगा, आशा करते हैं बस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।